कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग जाकर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण सिंह तोमर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनके दो आपत्तिजनक बयानों को लेकर व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के खिलाफ कुल 4 शिकायत दर्ज करवाकर उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भिंड में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद आयोजित सभा में कहा है कि अब 15 साल के भूखे डाकू लूटने आ गए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा किसानों की गई कर्ज माफी को लेकर लगातार असत्य बोलकर किसानों को गुमराह कर भ्रम फैला रहे हैं।